हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कायकल। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोग के लेफ्ट आईब्रो से जुड़े हुए सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने वाली हूं। तो आपको भी लेफ्ट आईब्रो बनाने में होती है प्रॉब्लम, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि मैं आज बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ। साथ ही मैं बता रही हूँ कि दोनों आईब्रो को एक जैसा कैसे बनाएं, सेंटर में कितना गैप रखें, और साथ ही और भी टिप देने वाली हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि इनका आईब्रो कितना हार्ड है, मीन्स आईब्रो का हेयर जो है वो कितना हार्ड है, तो मैं इस पे भी कुछ टिप देने वाली हूँ। तो यदि फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक वीडियो देखिए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, कमेंट बहुत ही कम आ रहा है। तो चलिए मैं बताती हूँ, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं एक क्रीम ली हूँ और इससे पहले यहाँ पे इससे मसाज कर दे रही हूँ ताकि हेयर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं बढ़े हुए हेयर को कट कर ले रही हूँ और आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ पहले लेफ्ट आईब्रो बनाना। तो इस तरीके से मैं शेप कर रही हूँ, जितना चौड़ा रखना है उसके हिसाब से यहाँ पे पहले कट कर लेना है। कट करने के बाद ये हमारा हो गया कि इतना चौड़ा रखना है, इतना ऊँचे से बनाना है। इसके बाद मैं थ्रेड से ये ऊपर का शेप कर रही हूँ लेफ्ट आईब्रो का। तो थोड़े से हेयर निकालने के बाद हमारे पास एक गाइड बन जाता है, गाइडलाइन बन जाता है, तो उसके हिसाब से मैं ऊपर का शेप यहाँ हाफ तक यहाँ तक मैं कर ली। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को एक शेप दिखाई देने लगा होगा। आप इस आईब्रो को देखिए और यहाँ देखिए कितने अच्छे से शेप आ गया। और इसके बाद मैं इधर का शेप करूँगी आज से नीचे। तो इतना करने के बाद इस तरीके से धागे को रखी और डायरेक्ट इस तरह से एकदम पूरा तिरछा लेते हुए ये आ गई। देखिए इस तरह से मैं रखी और ये ऐसे धागे को लेके आ गई। तो इस तरह से ये शेप बहुत ही अच्छे से आएगा। और इसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा हेयर है अब बैक में चले जाइए और बैक से इसे आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि ऊपर का शेप बहुत ही अच्छे से बन गया। अब मैं नीचे का शेप बना रही हूँ और नीचे के शेप के लिए यहाँ से आपको स्ट्रेचिंग करवाना है और नीचे से। तो यहाँ पे देखिए मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ गाइडलाइन करना, नीचे का शेप कैसे करना है, क्योंकि नीचे के शेप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बड़े हुए आईब्रो को बनाने में भी काफ़ी समय लगता है। तो देखिए मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा कि ये आईब्रो बढ़े हुए हेयर के अंदर, ये धागा बढ़े हुए हेयर के अंदर किस तरह से मैं ले गई हूँ। और इसके बाद आप इस लुक को देखिए, मैं ऐसे फैलाई और ऐसे इसे बाहर रख दी और एक धागा जो है वो आईब्रो के अंदर है। और इसके बाद मैं इसे घींच दी, टाइट से घींचे रहना स्किन को, और उसके बाद मैं इसे घींच दी और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से पूरे हेयर को निकाला है। तो इस तरीके से आपका एक बार में बहुत ही अच्छा सा शेप आ जाएगा और आप फास्ट बना सकते हैं। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स की प्रॉब्लम है कि वो फास्ट नहीं बना पाते, तो फास्ट के लिए आपको ऐसा ही कुछ करना होगा ताकि आप फास्ट बना सकें, क्योंकि इनके हेयर में काफ़ी ग्रोथ है। और उसके बाद अगर आप थोड़े थोड़े हेयर को करके निकालते हैं तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका काम फास्ट हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ मैं आ गई और आगे बढ़ गई, इसी शेप में आगे बढ़ रही हूँ, और बढ़ते बढ़ते मैं यहाँ पे आगे आज के पास, और यहाँ से धागे को थोड़ा सा टर्न की, और टर्न करने के बाद मैं इस तरीके से फिर से वैसे ही धागे को हेयर में फंसाई और इस तरह से निकाल दे रही हूँ। कहीं कहीं होता है कि हेयर काफ़ी होता है, जैसे यहाँ है, तो यहाँ पर आप थोड़े कम हेयर को ले सकते हैं क्योंकि कस्टमर को थोड़ा ज़्यादा पेन हो सकता है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा ली और अब पूरे एक्स्ट्रा हेयर को इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शेप हो गया है और ये जो एक्स्ट्रा हेयर है उसे मैं इस तरह से थोड़े थोड़े, यहाँ लंबे हेयर, इनके हेयर जो हैं इनका ग्रोथ काफ़ी लंबा लंबा हेयर का, तो उसे थोड़े से थोड़े कम हेयर ही लेके आपको निकालना है। तो इस तरह के हेयर रहने पर आप अपने क्लाइंट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइट से स्ट्रेच करने के लिए बोलेंगे तो कस्टमर को पेन कम होगा। इधर का आईब्रो बन गया, सिर्फ नोज़ के पास का हेयर रह जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको नीचे से स्ट्रेच नहीं करवाना है, सिर्फ ऊपर से स्ट्रेच करवाना है और इस हेयर को निकालना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे आ गई और इससे इस तरीके से निकाल लिया, सिर्फ ऊपर से स्ट्रेच की और इस तरीके से आप धागा चलाएंगे तो ये बहुत ईजिली निकल जाएगा, यहाँ पर छूटने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये लेफ्ट आईब्रो लगभग
अब देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है कि ये एक लेफ्ट आईब्रो बन गया और राइट आईब्रो देख सकते हैं कि कितना ज्यादा घना है। तो जब आपको समझ में नहीं आया या फिर आपका लेफ्ट आईब्रो बार बार गड़बड़ा जाता है तो पहले आप लेफ्ट आईब्रो बना ले उसके बाद ही राइट आईब्रो बनाए तो आप बहुत अच्छे से आईब्रो को सेव कर सकते हैं। अब मैं एक चीज और आप लोगों को बता रही हूँ कि ये सेंटर में कैसे करें कि आपका ये आईब्रो का शेप अच्छा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे अभी बता रही हूँ, आप उसे ध्यान से देखिए। तो उसके लिए धागे को इस तरह से लेना है जिस तरीके से आप लेते हैं आईब्रो बनाने के लिए, और यहाँ नोज के पास से जाना है और हेयर को ऐसे रिमूव कर देना है। तो इस तरीके से आप शेप करेंगे, जैसे यदि आप शेप करेंगे तो आपका भी आईब्रो ऐसा ही अच्छा सा बनेगा। तो चलिए मैं अब आप लोगों को बता रही हूँ कि राइट आईब्रो कैसे बनाना है या फिर एक आईब्रो बनाने के बाद दूसरे आईब्रो को कैसे बनाना है। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ कि आप एक आईब्रो बना लिए और दूसरे आईब्रो को बनाना है, कई बार क्या होता है कि दोनों आईब्रो दो तरह का बन जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक आईब्रो बनाने के बाद दूसरे को सेम सेम कैसे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये यहाँ से कट किया गया है, तो आप इसको यहाँ तो यहाँ पे मैं सीजर को ऐसे लिया ही सामने और मीन्स यहीं यहाँ से आपका ये इस आईब्रो का कटिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि काफ़ी ग्रोथ है तो हो सकता है कि ऊंचा नीचा हो जाए। तो इस तरह से मेज़र कर लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ मैं इस तरह से कटिंग करके यहाँ तक आ गए। अब दूसरा चीज़ है कि बाकी ये जो आज का मेज़रमेंट है वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं यहाँ भी थोड़ा पाउडर डाल दी और यहाँ भी पाउडर डाल दी बस गाइड के लिए। अब मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ इसका आज क्या है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। धागे को यहाँ रखिए और इसके आज को चेक करने के लिए क्या, धागा को एकदम स्ट्रेट रखिए आज के पास से ऐसे, और ये धागा आप ले आइए यहाँ। और देखिए चूंकि यहाँ पे मैं टेलकम पाउडर रखी हूँ तो यहाँ पे एक शेप बन जाएगा, ठीक है। मीन्स मुझे आज यहाँ तक लाना है, ठीक है। इससे ऊंचा या उससे नीचा नहीं होगा, या फिर आप क्या करेंगे, आप पेन से भी डॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से की हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पाउडर से काम होते रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे धागे को लाई और कहाँ तक, जहाँ तक मैं एक निशान लगाई थी यहाँ तक। और इस तरीके से आज का भी मेज़र किया जा सकता है कि किस तरीके से कहाँ तक आज जाए, क्योंकि काफ़ी ग्रोथ रहने के बाद क्या होता है ना, समझ में नहीं आता है बिगनर्स को कि वो कैसे बना रहे हो, वो ऊंचा नीचा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कोशिश की हूँ कि शायद आप लोग को ये तरीका समझ में आए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आज का एक शेप ले ले, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ से इसे डायरेक्ट धागे को इस तरह से मूव कर रही हूँ, तिरछा बट स्ट्रेट, तिरछा लेकिन स्ट्रेट। और इस तरीके से यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है कि ये स्किन उठने लगा। तो क्या करना है आपको, अपने कस्टमर से इसे स्ट्रेच करवा लेना अच्छे से। स्ट्रेच करने के बाद काफ़ी हेयर अच्छे से दिखाई देता है कि आप किस हेयर को निकाल सकते हैं, किसको नहीं निकालना। देखिए मैं फिर से यहाँ पे सेव कर ली और इसके बाद यहाँ से मैं ये ऐसे तिरछा बट स्ट्रेट करके इसको निकाल दे रही हूँ। राइट आईब्रो बनाने के लिए आप देखिए इस तरीके से, मैं मेरे फिंगर को भी देखिए, आईब्रो को देखिए, इस धागे को देखिए। यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा चौड़ा है तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर से इस तरीके से आईब्रो के हेयर में धागे को फंसा रही हूँ, ठीक है। अब चाहते हैं कस्टमर को पेन ना हो तो क्या, दो चार बाल को ऐसे निकालिए। यहाँ दो चार बाल निकालने से क्या होता है, यहाँ पे एक शेप बन जाता है, एक गाइडलाइन बन जाता है कि कितना चौड़ा बनाना है, और इसके बाद उसी के हिसाब से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मैं उसी में फिर से धागे को ऐसे फंसाई और आगे बढ़ रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पे मैं शेप में एक शेप बनने के बाद उसी से गाइडलाइन लेते हुए आगे बढ़ रही हूँ। नीचे के हेयर पे आप ध्यान नहीं दीजिए, पहले आप शेप करने पे ध्यान दीजिए, तो इससे क्या होगा, थोड़ा फास्ट काम होता है। तो इसी शेप में मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ लगभग आज के पास आ गई। और यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे बनाना है। यहाँ पे मैं धागे को इस तरीके से घुमा रही हूँ नीचे की तरफ, तो मैं आज के बाद इस तरह से धागे को नीचे की तरफ मूव की और इस तरीके से यहाँ पे से लगभग कंप्लीट हो गया। और जो एक्स्ट्रा हेयर है उस हेयर को आप ऐसे फास्टली निकाल सकते हैं हल्के हाथ से।
तो आप देख सकते हैं कि ये आईब्रो भी लगभग कंप्लीट हो गया और बहुत ही फास्ट में बना है। तो इस तरीके से यदि आप काम करें तो आप फास्टली काम कर सकते हैं। अब मैं सेंटर का बता दूं कि कैसे करना है। इसमें आप देख सकते हैं एक आईब्रो बन चुका है और इसमें अभी सेंटर का मैंने निकाली हूँ, तो इसे यहाँ से निकालना है और यहाँ से नोज के पास से धागे को ले जाना है और इसे ऐसे रिमूव कर देना है। अब देख सकते थे कि इनका आईब्रो ज्वाइंटेड जैसा था, तो इसकी वजह से यहाँ पे हेयर ग्रोथ काफ़ी है। तो आप इसे इस तरीके से सीधा करते हुए निकाल लेंगे। तो ये है आज के आईब्रो का फाइनल लुक। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज के वीडियो से आप लोग क्या क्या सीखे और क्या जानना चाहते हैं ये तो ज़रूरी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को और क्या जानना है और किस तरह का आईब्रो मैं बताऊं, या फिर वीडियो ब्यूटी से रिलेटेड और क्या जानना चाहते हैं, सब कुछ मुझे कॉमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर के आ सकूँ। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।